वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हीलियम प्रोजेक्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हीलियम क्या है, कैसे काम करता है और इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन क्रिप्टो स्पेस में इसकी क्या अहमियत होने वाली है, उसे आज जरूर समझेंगे। इसी की ऑफिशियल वेबसाइट, वाइट पेपर और इसी के कुछ टोकनॉमिक्स के हिसाब से, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों हीलियम प्रोजेक्ट। अब अगर इस चीज को बिल्कुल सरलता से समझा जाए तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, द हीलियम प्रोजेक्ट्स एम्स टू इनोवेट द हेल्थ केयर इकोसिस्टम्स यूजिंग ब्लॉकचेन। यानी कि यहाँ पर हीलियम प्रोजेक्ट को ब्लॉकचेन के साथ जोड़ के देखा जा रहा है और इसके द्वारा एक हेल्थ केयर जो हमारा पूरा सिस्टम है उसको यहाँ पर इनोवेशंस के थ्रू इम्प्रूव किए जाने की बात की जा रही है। सो इट्स एन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल टू रिवाइटलाइज द हेल्थ इंडस्ट्री। यानी कि ब्लॉकचेन की मदद से यहाँ पर जो हेल्थ इंडस्ट्रीज है उसको उसमें इनोवेशंस लाई जाएंगी, उसको रेनोवेट किया जाएगा, उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। द हीलियम प्रोजेक्ट इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर मार्केट बाई अप्लाइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बहुत ही साधारण सिंपल शब्दों में कही गई है बात कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर हेल्थ केयर मार्केट को इम्प्रूव किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के साथ वी विल क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल इन विच ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द इकोसिस्टम्स हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज एंड रिवॉर्ड्स एंड थ्रू दिस द यूजफुलनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम्स कैन बी अचीव्ड स्पॉन्टेनियसली। यानी कि पूरी ब्लॉकचेन को लाकर, एक पूरे क्रिप्टो को लाके यहाँ पर इस चीज़ को और बेहतर करने की यहाँ बात हो रही है। वी यूटिलाइज डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशंस थ्रू ब्लॉकचेन एंड वेरियस न्यू पॉसिबिलिटीज बेस्ड ऑन ट्रस्ट इन द हीलियम सिस्टम्स। यानी कि हीलियम सिस्टम के अंदर ये डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ करके, ब्लॉकचेन का यूज़ करके बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज को लाना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी संभावनाएँ यहाँ पर ये क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर एक हेल्थ सिस्टम्स को सही किया जाए। थ्रू दिस वी विल चेंज द इकोसिस्टम्स इन अ हेल्दी डायरेक्शन बाई स्पेसिफाइंग द कॉम्पोनेंट processes and values of the healthcare market। तो यहाँ पर इस चीज़ को इन्होंने कुछ characteristics के साथ HLM coin को बताया हुआ, जिसमें decentralization उसका एक feature है, scalability दूसरा है, security है, और यानी कि ये तीन feature जो है इसके decentralization, scalability, security, ये तीन feature इस HLM coin के यहाँ पे पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पर decentralization को Helium chain जो यहाँ develop की गई थी blockchain के through, उसमें एक एल्गोरिदम कंसेंसस का यूज होता है जो इथेरियम मेननेट पे चलता है, जहां पर आप ब्लॉक क्रिएशंस वेरिफिकेशंस को यूज करके आप वहां पे अच्छे खासे जो होल्डर्स हैं उनको आप यहां पे तवज्जो दे सकते हैं। थ्रू दिस द कंसेंसस प्रोसेस इज डिसेंट्रलाइज एफिशिएंटली एंड फेयरली एंड गवर्नेंस विच इज अ कंसेंसस मेथड फॉर डिसीजन। अब स्केलेबिलिटी की यहाँ बात हो रही है, स्केलेबिलिटी की बात यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हीलियम चेन कंसेंसस मेथड इज हाईली स्केलेबल, क्योंकि इसके पास एफिशिएंट और फेयर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, ब्लॉक क्रिएशन कंसेंसस है, एल्गोरिदम है जो ब्लॉक जनरेशंस को एक लार्ज स्टेक पर यूज करने के काम आएगा। फिर सिक्योरिटी की यहाँ बात हो रही है, व्हेन रियल टाइम डेटा इज एक्सचेंज बिटवीन क्रिएटर्स एंड यूजर्स ऑपरेटिंग बिटवीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द ब्लॉकचेन, हीलियम चेन सिक्योर्स अ सफिशिएंट एंड कंप्लीट सिस्टम टू प्रोटेक्ट द डेटा, एंश्योरिंग दैट इंपॉर्टेंट डेटा इन एनी सिस्टम इज नॉट टेम्पर्ड विद। यानी कि किसी भी प्रकार से डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। बिजनेस डिटेल्स ऑफ HLM कॉइन। अब यहाँ पे HLM क्या करने वाला है, DNA एनालिसिस प्लेटफॉर्म होगा, उसके साथ हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, बायो होटल की यहाँ बात कर रहे हैं, डिजिटल हेल्थ केयर की यहाँ बात कर रहे हैं, और ये चार पहलू हैं जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, DNA एनालिसिस प्लेटफॉर्म से लेके डिजिटल हेल्थ केयर, ये चार पहलू हैं जिन पर ये पूरे काम करने वाले हैं। अब ये पूरा जो सिस्टम है एक हेल्थ केयर सिस्टम के साथ चलने वाला है और यहाँ पर ब्लॉकचेन की मदद ली जा रही है, क्योंकि डिजिटल हेल्थ केयर की जहाँ बात आ रही है तो यहाँ पर ये मेटावर्स की हेल्प लेंगे, यहाँ पर ये उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे, तो यहाँ पर उस ब्लॉकचेन की मदद के जरिए यहाँ पर ये एक हेल्थ केयर को डिजिटल रूप देने की बात कर रहे हैं। DNA एनालिसिस प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये डायरेक्ट कस्टमर्स को टेस्टिंग सर्विसेज जो हैं, जेनेटिक टेस्टिंग सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उनको वहाँ ये प्रोवाइड करवाएंगे, और हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो है इनका, यहाँ पर जो भी कस्टमर आता है या जो भी यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आती है, जो उसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी वो अपने पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर की जाएगी वो इंफॉर्मेशन। इससे होगा क्या
कि पार्टिसिपेशन इन वोटिंग एंड ओपिनियन इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड रिसीव कॉरस्पॉन्डिंग इंसेंटिव्स, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचाएगा उसको यहाँ पर इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, ताकि जो इंफॉर्मेशन ये निकाल पा रहे हैं हेल्थ केयर के रिलेशन में वो इन्फॉर्मेशन सटीक रहे, सही रहे, इसीलिए वहाँ पर इंसेंटिव की बात की गई है। अब ये बायो होटल क्या है? We operate a bio membership club to provide and arrange programs to prevent incurable disease and satisfy aesthetic needs. तो यहाँ पर ये क्या करने वाले हैं? एज मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक होगा, टेक्नोलॉजी होगी, स्टेम सेल स्टोरेज सर्विसेज होंगे, ब्लड प्यूरिफिकेशन सर्विस होगी, यूजिंग इक्विपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव नेक्स्ट जनरेशन डिजीज प्रोडक्शन स्क्रीनिंग सर्विसेज यहाँ पर रहेगी, हीलिंग कैंप रहेगा, प्रोग्राम हुआ करेंगे, उसके बाद बायो कॉस्मेटिक्स और कस्टमाइज फंक्शंस फूड्स यहाँ पे रखे जाएंगे, ताकि उन स्पेसिफिक डिजीज़ को यहाँ पे समझ सकें। अब इकोसिस्टम क्या है HLM कॉइन का? तो HLM कॉइन के इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने DNA एनालिसिस प्लेटफॉर्म रखा है, यूज विद इन द कम्युनिटी बायो होटल, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। एडिशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पे है कि ये एक ऐसा सिनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर ये अलग से एडिशनल बिजनेस मॉडल्स सेटअप कर सकें, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और कुछ यूनिक यहाँ कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, वी बिल्ड एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड एक्सपीरियंस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम्स। रोड मैप की बात की जाए अगर हीलियम की, तो यहाँ पर 2022 में हील एंड ब्रांडिंग TRC20 सिस्टम कंस्ट्रक्शंस हो चुकी है, वेबटून प्रोडक्शन, इशूइंग DNA एज एन NFT, उसके बाद SNS प्रमोशन जिसमें सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स को लाया जाएगा, 2022 का जो रोड मैप है लगभग कंप्लीट होता दिख रहा है। अब उसी के साथ ओपन बायोमेटावर्स, एंटर O2O शॉपिंग मॉल, हीलियम कैश पेमेंट सिस्टम, कोऑर्डिनेटर कंसल्टेशन चैनल की यहाँ बात हो रही है। उसके बाद 2023 जो आने वाले समय में यहाँ पे NFTs आएंगी, टेस्टिंग बढ़ेंगी, हेल्थ डेटा आएगा, पर्सनलाइज हेल्थ केयर 3.0 प्लेटफॉर्म लाया जाएगा। उसके बाद फिर 2024 में बायो होटल इन 10 मेजर सिटीज़ की यहाँ बात हो रही है, फिर स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर खोले जाएंगे ग्लोबल 100 सिटीज़, और 2025 में सिक्योर 10 मिलियन DTC जनरेटिंग डेटा की बात कर रहे हैं, अचीव 2 trillion इन मेंबरशिप वैल्यू। तो ये दोस्तों 2025 तक का इनका ये रोड मैप है, जहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब अगर इसके टीम मेंबर्स की बात की जाए तो ये कोरियन प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इनके CEO हैं और जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा कुछ इसमें इंडियंस टीम मेंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जो CEO है करंटली वो ह्यू सिंगमिन है, फिर उसके साथ दूसरे टीम मेंबर्स हैं जिसमें जॉन ह्योंगसोक और जेरोम शोई करके देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इनके वाइट पेपर की दोस्तों बात करते हैं तो वाइट पेपर में काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो एक टेक्निकल जार्गन्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं, कुछ एक मेडिकल टर्म्स हैं जो हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमें देखना होता है प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें हो रही हैं। हालांकि बहुत सारी डेवलपमेंट इनोवेशंस की यहाँ पे वाइट पेपर में बात की गई है, कैसे इनका इकोसिस्टम काम करेगा, कैसे पूरा का पूरा इकोसिस्टम हेल्थ केयर के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे इस वाइट पेपर पे देखने को मिल जाएगा, जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अब इसके चलते हमें ये देखना है कि हमारा इसमें जो इनपुट है, जो हम अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ करने वाले हैं, उसका क्या होने वाला है, उसको भी टोकनॉमिक्स के हिसाब से हम दोस्तों अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ और टीम मेंबर्स, जिसे मैंने आपको बताया कुछ इंडियंस टीम मेंबर्स हैं जिनके बारे में मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे वहाँ पर वो मिले हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है जितेंद्र शर्मा, जो करंटली चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ AMTZ। अब AMTZ जो है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी आंध्र प्रदेश का मेडिकल टेक जोन है, जहाँ पर हम उसमें देखते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं। तो जो ये व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे भी प्रूव हो रहे हैं कि ये एक्चुअल में वहाँ पर CEO हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ लोग अभी इन्होंने बताया नहीं कि इनके साथ जुड़े हैं, लेकिन क्या मेंशन किया है, गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज हेल्थ केयर एडवाइजर ऑफ हीलियम इन इंडिया। उसके बाद सिमर सूरी की यहाँ बात हो रही है, विच इज़ अगेन अ स्पोक्स पर्सन ऑफ वॉलंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज लीगल एडवाइजर ऑफ हीलियम इन इंडिया। और उसके बाद देवलीना चक्रवर्ती, अगेन गोइंग टू बी अपॉइंटेड। उसके बाद ह्यू सिंगमिन, ये तो मैंने बताया आपको ऑलरेडी CEO हैं यहाँ पे, और ये दूसरे टीम मेंबर्स इनके यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, ऐसे कुछ इंडियंस हैं, कुछ जो हैं दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ इन्हें जोड़ा गया है, और आने वाले टाइम पे ये इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ साथ मेडिकल इन्हांसमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़,
और ह्यूमन एस्पेक्ट्स को लेकर यहाँ पे बात की गई है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अपने कॉइन को लेके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की हुई है, जहाँ पे इन्होंने मेटावर्स के जरिए ये समझाने की कोशिश की है। जो आज का रिसेंट ट्वीट है, हीलियम आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ अंडरलाइंग बॉडी शेप मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी एंड प्रपोज पर्सनलाइज सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स इन टू एरियाज। अब वहाँ पर ये डेटा की बात करते हैं, वहाँ पर हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, और जो पेमेंट होगी वो हीलियम कैश में करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को इस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इन्होंने कुछ इनपुट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता के रखी हुई हैं कि इनके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हीलैंड का अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेटावर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें मेटावर्स कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस, ऑफलाइन लिंक, रेवेन्यू मॉडल, मार्केटिंग प्लान को यहाँ बताया हुआ है। उसी बायो मेटावर्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दी हुई हैं डेटा की, कुछ टेक्निक्स हैं, और कुछ एनएफटी प्रोवाइडेड डेटा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि कहाँ पे एनएफटीज को किस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। रिसेंटली इनका 24 नवंबर 2022 को एक मीटअप हुआ था वेब थ्री के माध्यम से, जो इन्होंने ऑनलाइन किया था, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी चेक कर सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या है और कैसे ये काम करता है। अब कुछ टोकनॉमिक्स की बात करते हैं दोस्तों। कॉइन मार्केट कैप पे हीलियम इज़ द प्रोजेक्ट नेम, HLM इज़ द कॉइन नेम या टोकन कह सकते हैं इसको आप यहाँ पे, और रैंक 5592 है, यानी कि ये ऊपर नीचे होता रहेगा। वो 32 की वॉच लिस्ट है। मैक्स सप्लाई जो है दोस्तों वो 1 बिलियन के करीब करीब आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी अपडेट नहीं हुई क्योंकि रिसेंटली ये जस्ट CMC पे लॉन्च हुआ है। करंट प्राइस जो है 11.88 इंडियन रुपीस में दोस्तों बात कर रहा हूँ। अगर आप डॉलर में इसको देखना चाहें तो 0.1447 ये US डॉलर में आपको ट्रेड करता नजर आ जाएगा। जस्ट अभी कॉइन मार्केट कैप पे लॉन्च हुआ है तो प्राइस उतना मैटर नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर समझे तो कल के मुकाबले आज ये 2.40% के रेशो से ऊपर बढ़ा है, यानी कि यहाँ बढ़त ली है। और ऑल टाइम हाई देखें तो वो ठीक 9 घंटे पहले 12.39 गया था, और ऑल टाइम लो 8 घंटे पहले 11.44 था, जो अभी 3.26% के हिसाब से राइज देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से इसे बाय कर सकते हैं? आप इसे बिट्रेक्स एक्सचेंज से आप इसे बाय कर सकते हैं, तो बिट्रेक्स से आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मेटावर्स का यूज़ करके और कुछ हेल्थ केयर सिस्टम्स को यहाँ पे इनोवेशंस के थ्रू अपडेट करके, ब्लॉकचेन का यूज़ करके, और उस हेल्थ इंडस्ट्रीज को कुछ नया रूप देने की यहाँ बात की जा रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि इसमें कितना काम हो रहा है और इसके डेवलपर्स इसको लेकर कितना सीरियस हैं, क्योंकि ऑडिट्स के बारे में भी हमें कोई यहाँ आइडिया नहीं है। लिक्विडिटी कितनी लोग है वो हमें आइडिया नहीं है, टीम के पास कितने वॉलेट्स हैं वो हमें आइडिया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे केसेस में। ऐसे प्रोजेक्ट बहुत आते हैं, वो कितने लंबे टिक पाते हैं ये उनके यूज़ केस और यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज हमने हीलियम के ऊपर बात की, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय। Oh, 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 oh,